पूरे देश में फिट इंडिया का नारा दिया है। फिट यानी शरीर से फिट रहो, दिमाग से फिट रहो, यह नारा दिया गया है और इस वर्ष फिट इंडिया पर अभियान चलाए जा रहे हैं। हम इस समय हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो महामना का पवित्र मंदिर है, और इधर आप देख रहे हैं विश्वनाथ मंदिर, यह बिरला मंदिर के नाम से भी इसे जानते हैं। और यहाँ तमाम चिकित्सक, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ सेवानिवृत्त लोग भी हैं जिनके साथ हम जुड़ गए हैं। कई बार हमारी बातचीत भी है, कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट भी हैं यहाँ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, डॉक्टर साहब लोगों से शुरू करते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके ये लोग फिट रह रहे हैं और फिट होने का संदेश भी दे रहे हैं। सबसे पहले हम परिचय जानना चाहते हैं। सुपरिचय सर आपका? डॉक्टर एस जे पटेल। किस चीज़ के डॉक्टर हैं सर आप? पेट के सर्जन। अच्छा, पेट के सर्जन। तो अधिकांश बीमारियां तो पेट से ही होती हैं। पेट से होती है और पेट के लिए ही सारा कार्यक्रम होता है, सारे कार्यक्रम के अस्पताल भी पेट के लिए ही खुले हैं और खाना उसी खाते हैं, खाना भी उसी धंधे से लेके जा रहे हैं सारे धंधे। सर क्या ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मरीजों को ग्राहक के तौर पर ट्रीट किया जाता है? नहीं, दुनिया पूरी ग्राहक है। आप लपेटिए मत सीधे विषय पर आइए। क्या ऐसे नहीं लगता कि जैसे माना कि बहुलता में कुछ अच्छे हैं, लेकिन बहुलता में ऐसा ही है कि ग्राहक के तौर पर नहीं ट्रीट किया जाता है, जांच पर जांच कराते जाओ, मरीज को हड़काते जाओ। हमारे देश में चिकित्सीय ज्ञानता है, मेडिकल शिक्षा कमी है, लोग गुमराह हैं, भ्रमित हैं, वो डॉक्टर और नॉन डॉक्टर का अंतर नहीं कर पाते और वो बहुत ज्यादा भ्रमित है, उन्हें मेडिकल शिक्षा की जरूरत है। रोग मुक्त रहे लोग, इसके लिए एक लाइन में क्या संदेश देना चाहिए? सबसे बड़ा, सुबह उठते ही 24 घंटे में कम से कम 1 से 2 घंटे शरीर के लिए समय दें, व्यायाम करें, कसरत करें, जिम करें, दौड़े भागे, ताकि आपका तनाव भी दूर रहे और पाचन सिस्टम भी ठीक रहे। घर जाके अच्छे से खाना खाएं, पाचन बढ़िया रहे। जब पाचन बढ़िया होगा, दिमाग सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा तब देश के लिए, समाज के लिए, परिवार अच्छा काम करेंगे। और गुस्सा कैसे रोकें? जैसे आपको भी कभी कभी आप ऐसे बड़े खुशनुमा है, खूब हंस रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा है, इसका वजह यही है सुबह का व्यायाम। गुस्सा रोकने का एकमात्र तरीका है कि शरीर में एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन हार्मोन और सेरोटोनिन, वो तभी निकलता है जब आप व्यायाम करते हैं, वो ज़्यादा निकलता है प्रचुर मात्रा में। और जब व्यायाम करते हैं तो जब ज़्यादा निकले तो ज़्यादा खुश रहेंगे। वाह, तो खुश रहने का, गुस्सा कम करने का सबसे अचूक दवा है एक्सरसाइज, व्यायाम, हंसना, ग्रुप में रहना, अपने आप तनाव कम हो जाए। जब भी अकेले रहेंगे, गुस्सा अकेले रहेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, अकेले विचार करेंगे, अकेले इवन टहलना भी ग्रुप में टहलिए, अकेले मत टहलिए, वहाँ भी तनाव बने रहेगा आपका। तो स्ट्रेस बहुत बड़ी बीमारी शरीर के लिए, तो तनाव से मुक्त होना है तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टहलते रहिए। आप बैठते कहाँ हैं? बैठते कहाँ? मेरा अपना उपकार हॉस्पिटल है, उपकार हॉस्पिटल 25 साल पुराना सिंधब रोड पर। अगर कोई आपसे बात करना चाहे, बिल्कुल मान लीजिए आपका समय बड़ा व्यस्त, हाँ, तो बात करना चाहे तो कब करेगा? कभी भी, फोन आसान रहता है, सोने का वक्त छोड़ के कभी कॉल करेंगे, मान लो फोन नहीं उठता है जी तो कॉल बैक हो जाएगा। आप अपना कृपया परिचय, मैं वो बता दें, मोबाइल नंबर 8765111758। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात कहा और यह सभी के काम की चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें तो मैं ही नहीं जानता था। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, धन्यवाद। YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से अब मैं शिक्षा और शिक्षा नहीं, नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब शिक्षा वो डॉक्टर साहब, चलिए ना पहले चलिए, अब हम चलिए, कोई बात नहीं। नहीं अच्छा ये बताइए, हम नहीं नहीं हम सुपनखा जैसे नहीं लग रहे हैं कि यहाँ से वहाँ वहाँ से राम के पास जाओ, लक्ष्मण के पास जाओ, रोज हम चाटी था, आज हमें मत चाटा। चलिए नहीं छोड़िए, चलिए डॉक्टर कर लेंगे, शिक्षाविद है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, परीक्षाएं अभी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की चल रही हैं, सवाल स्टेज का ही है और शिक्षक की एक महती भूमिका है समाज में, शिक्षक कुम्हार की भांति है जिसको चलिए सर आपका काम खत्म हो गया, उधर के आ जाएंगे, तो शिक्षक की एक महती भूमिका है। चलिए मठ साहब बात नहीं करेंगे, बाद में हम बात कर लेंगे। अब हम चलते हैं, देखिए एक और परिचय है, सामाजिक कार्यकर्ता है, आपसे भी शुभ परिचय आपका। संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह जी, राज नारायण जी जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था, उनके आप पोते लगते हैं, पोते रोज टहलने आते हैं, किस क्षेत्र में है सर आप?
हम तो लंका क्षेत्र में है। अरे लंका क्षेत्र में नहीं, जैसे अच्छा ये हमारा जो कॉलेज चलता है अधिवक्ता भी है। अच्छा प्रैक्टिस भी करते हैं, हड़ताल जारी है। हड़ताल आज फोटो आज है, आज तो अधिवक्ता की एक महती भूमिका है, जैसे चिकित्सक की भूमिका है, अध्यापक की भूमिका है, और ऐसे ही राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका अधिवक्ता की, और इन लोगों ने बड़ा जागरूक किया। आप भी ग्राहक के तौर पर ट्रीट करते हैं मोती को? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ग्राहक नहीं, ग्राहक सब है, ग्राहक सभी लोग हैं। हम लोग ट्रीट जो है ग्राहक नहीं, अपना जैसे कोई भी है तो अपना। चलिए हमारे बीच एक और सज्जन है, शुभ परिचय आपका। डॉक्टर अजय कुमार जी, आप भी कोई सरकारी हैं अथवा फिर? नहीं, हम जो है जनरल सर्जन है। जनरल सर्जन है, तेज बोलिए। एसोसिएट प्रोफेसर है शिवालिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में, उसमें हम एसोसिएट प्रोफेसर है। बहुत बढ़िया डॉक्टर अजय साहब, से हम जानना चाहेंगे सर्जरी में किस तरह के मामले इस समय आ रहे हैं ज़्यादा? सर्जरी में तो देखिए, जनरल सर्जरी में तो सब कुछ आ जाता है, हर तरह के मामले। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो है पेशेंट जो है, सबसे ज़्यादा कंस्टिपेशन के पेशेंट, मतलब पेट से ही सबसे सारी बीमारियां पेट से हैं। और सबसे ज़्यादा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हिंदुस्तान में जो ये कहे कि हमको कंस्टिपेशन नहीं है जी, मैंने जिसको आम भाषा में कब्ज कहते हैं आप, कब्ज की बीमारी उसको नहीं है। मैंने अगर आप आंकड़ा देखें तो 100 में से 95% ऐसे रोगी लोग हैं जिनको कब्ज की शिकायत है, और वो शिकायत केवल जैसे हम चिकित्सक बंधु यही वो करते हैं कि जैसे हम लोग नियमित टहलते हैं, ये हर प्राणी को, हर इंसान को, अगर वो चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, वो तभी वो शारीरिक और मानसिक रूप से तभी स्वस्थ रहेगा जब वो खुले वातावरण में आएगा, खुले में सांस लेगा, अच्छे लोगों के बीच रहेगा, अच्छे लोगों के बीच बात करेगा। ये नहीं कि हम आए हैं यहाँ घर का तनाव लेके, बाहर का तनाव लेके, काम का तनाव लेके बैठे हुए हैं। तो स्वस्थ तभी रहेंगे जब शारीरिक और मानसिक, मन और शरीर दोनों से स्वस्थ रहेंगे, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। केवल ये नहीं कि हम शरीर से बहुत अच्छा कपड़ा पहन लें, बहुत अच्छा खाना खा लें तो हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक हम मन से स्वस्थ नहीं रहेंगे और वो मानसिक स्वस्थ, हम तभी रहेंगे। पता लगा कि जो है हमें अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दूसरे की प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम से हम परेशान हैं, तो भी हम स्वस्थ। एहतियात के तौर पर जैसे पानी पीने का है, पानी पीने के लिए लोग बताते हैं तो पानी कब कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए? देखिए पानी तो आपको जब आपको समय मिलता है, जितनी इच्छा होती है, आधा गिलास, एक गिलास, दो गिलास, जब इच्छा होती है, जितना पानी आप पियेंगे उतना ही आपके शरीर में जितनी टॉक्सिसिटी है, जितनी विषाक्त चीजें हैं, वो सब बाहर जो है पेशाब के रास्ते, जो है पसीना के रास्ते, वो बाहर निकलते हैं। अधिक से अधिक पानी जी जी, जितना पानी पियेंगे उतना उबाल करके अथवा ऐसे नहीं, अगर नॉर्मल पानी मिलता है जैसे बिस्लेरी वगैरह का, हम लोग आर ओ वगैरह का पीते हैं या बिना आर ओ का भी पीते हैं, अगर बॉयल करके पानी पीते हैं तो उससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है। बॉयल करके उस पानी को ठंडे करके पीते हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, उससे अच्छा तो कोई पानी नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की समस्याएं इधर ज्यादा देखी जाए तो किस उम्र में ऐसा होता है? देखिए एज के साथ, जैसे जब बच्चा पैदा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, प्रोस्टेट की समस्या वैसे भी वो भी बढ़ता जाता है। एज फैक्टर मेन है, 40, 45, 50 के बाद प्रोस्टेट को बढ़ना है, चूँकि वो एक हार्मोनल वो है, तो हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है वो होना ही होना है, तो वो प्रोस्टेट आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये नहीं है कि नहीं वो नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन बढ़ता सबका है, और वो एज के साथ ही बढ़ता है, एज के साथ। अजय जी ने बहुत अच्छी जानकारी दिया है, अब हम चलते हैं संतोष जी के पास। आप फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं, संतोष जी शिक्षक हैं, और इस समय वर्तमान सरकार कौन सी योजना चला रही है पता नहीं, ऑपरेशन कायाकल्प, कायाकल्प चला है। कायाकल्प क्या है? अभी तक कायाकल्प नहीं था। कायाकल्प में वो चला रहे हैं कि ग्राम सभा के माध्यम से जितने विद्यालय हैं उनमें जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए उनको पूरा किया जाए, विद्युतीकरण कराइए, शौचालय बनवाइए, रंगवाइए, पुतवाइए, भवन बनवाइए, सारा वह चीजें कब तक? मार्च तक मतलब अच्छे शौचालय, पानी की समुचित व्यवस्था, विद्युतीकरण विद्यालय का, भवन कोई जर्जर है उसको गिरा के नया बनवाइए, बिल्डिंग बनवाइए, यह है कायाकल्प। हाँ।
कायाकल्प है प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में, आप भी अपने यहाँ देखिए और इस तरह से टोका टाकी करिए, वहाँ जाइए, आपको भी देखने का अधिकार है। कभी मध्याह्न भोजन चखने गार्जियन आता है कि नहीं? आते हैं कभी कभी, यदा कदा, यदा कदा। वो चखने नहीं आते, ऐसे आ गए तो हो गए कि भाई आप हम ऐसे आए हैं तो ले लीजिए। क्यों नहीं लगता कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम जाएं और वहाँ भोजन ग्रहण करें, ग्रहण करके देखें, और देखना हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे बच्चे और अच्छा भोजन जो मीनू के अनुसार मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आइए कुछ खड़े खड़े बात करते हैं। शुभ परिचय आपका? डॉक्टर जे एन कश्यप जी, मैं जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, पेट का सर्जन। जी जी, यह सब पेट के ही डॉक्टर आज जुट गए, क्या है बताएं सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जितना जो है सुबह में वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, कम से कम हाफ एन आवर जो है डेली वॉकिंग करना चाहिए, चाहे वो शुगर के मरीज हों, चाहे ब्लड प्रेशर के मरीज हों। तो जितना डाइट इम्पॉर्टेंट है उतना ही एक्सरसाइज ज़रूरी है। डाइट में जो है जंक फूड वगैरह नहीं लेना चाहिए, हेल्दी डाइट लें और वॉकिंग और एक्सरसाइज करें डेली तो स्वस्थ रहेंगे। साइकिलिंग के बारे में बताइए, साइकिलिंग करना? साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप साइकिलिंग करें, चाहे रनिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, सब जो अच्छी एक्सरसाइज है, और डेली करें, रेगुलर करें, रेगुलर करें। प्राकृतिक वातावरण में देखिए, हमने डॉक्टर साहब से भी बात किया सर, आप लोग किस क्षेत्र में हैं? मैं प्रदीप स्वास्थ्य विभाग से कर रहा हूं। प्रदीप भाई आइए सर, वैसे बड़े जीवंत हैं आप, देख सकते हैं बहुत अच्छे लगे हैं। कितने कितना मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली 4-5 किलोमीटर पर डे करना पड़ता है। करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, आप एक हफ्ता मत करिए तो देखिए आप कैसा, आपके पास हैवीनेस आ जाता है। शुभ शुभ परिचय, मेरा नाम शिव प्रकाश सिंह, ARO की पोस्ट पर हूँ, चंदौली जिले में कार्यरत हूँ, अभी रिटायर होने वाला हूँ। भैया भैया एक बार सर के नाम पर ताली बजनी थी सेवा में, और मुझे लगा कि इनकी सेवा अभी 10 साल यही लग रहा था। चलिए आज आज के हीरो आप ही यंग यंग इस पर जो रहा है, हीरो हीरो पैदा भी करते हैं। क्या बात सर, शुभ परिचय आपका? बस प्रदीप कुमार सिंह, सेवानिवृत्त हूँ एग्रीकल्चर विभाग से। अच्छा, कब कितना कितना दिन सेवानिवृत्त? 4 साल हो गया। नजर न लगी आपको, धन्यवाद। देखिए यह है जीवंतता सर, इसके बाद समय कैसे बिताते हैं लोग, जैसे सेवानिवृत्त हो गए तो भैया अब तो बच्चे बच्चों की शादी हो जाए, अब तो धीरे धीरे अब भगवान अब हुआ, तो ऐसे में देखिए जीवंतता कैसे धारण करता है? इसलिए धारण किए हुए हैं कि हम लोग रहते हैं समूह में, ग्रुप में रहते हैं, कभी भी अलग नहीं रहते जी। दूसरी बात, जैसे अब तो सौभाग्य से ये बनारस में हम बसे हुए हैं, सुंदरपुर में बसे हुए हैं, और महामना की इस बगिया के पास बसे हुए हैं, तो सुबह रोज हम लोग अवसर मिल जाता है कि मॉर्निंग वॉक करते हैं। ये सबसे बड़ा हमको जो अब तक समझ में आया कि जो सुबह का मॉर्निंग वॉक है, देखिए किसी भी हार्ट के डॉक्टर के पास आप जाएं तो पहले कहता कितना आप टहलते हैं, पहले आप अधिक से अधिक टहलिए, तो टहलना मेरे समझ से सारे कार्यों से प्रथम यह है। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण देखा जाए तो सुबह मॉर्निंग वॉक सबसे सुंदर व्यवस्था है, और ये व्यवस्था सौभाग्य से हम लोगों को मिला हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग डेली समूह में टहलते हैं। अगर अकेले टहलेंगे तो बोरियत होगी, मन जो हम मार करके रहेंगे, और समूह में रहेंगे तो तमाम तरह की बातें होंगी। और वर्तमान में वातावरण देखिए देश का कि कितना सुंदर हो रहा है, सारी मतलब कार्य जो है इस तरीके से देश में जिस तरीके से हो रहा आज तक इतिहास में, आप ये देखिए गरीबों के उत्थान के लिए, आप नहीं बेसिक बात पकड़िए कि गरीबों के उत्थान के लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं, और सारी योजनाओं के पैसे जो है खेत वो जा रहे हैं लोगों के खाते में जा रहे हैं, बंदरबाट रुका, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुई इस देश की, मतलब जो राजीव गांधी ने कहा था वो तो एकदम उलट गया, सब उलट गया, 100 का 100 जा रहा है। और सबसे बड़ी बात किसानों के लिए जो क्रांति हुई है कि आज तक सब लोग जानते थे कि खाद मतलब यूरिया है, यूरिया का प्रयोग किया था ब्लैक मार्केट, किसान डंडा खाता था, मिलता था, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। इस व्यक्ति ने सबसे बड़ा काम ये किया कि 100% यूरिया के दाने में नीम कोटिंग करा दिए, जब एक एक दाना चाहे बाहर से आवे चाहे यहाँ से आवे उत्पादन हो रहा है, किसानों से तेल लेकर के यूरिया का रेट भी नहीं बढ़ा, और उस नीम कोटिंग से क्या हुआ, एक तो हमारी उत्पादकता पर प्रभाव पड़ा, यूरिया की खपत कम हुई,
अगर जैसे यूरिया आप एक बीघा में एक बोरी डाल रहे तो उसमें चार पाँच दिन में खत्म हो जाता था, लेकिन नीम की कोटिंग से यूरिया में जो नत्रजन है जो पौधे लेते हैं उसका क्षरण रुकता है और वो 10 से 15 दिन तक वो कांस्टेक्ट करता है। सर, इससे हरियाली बहुत अच्छी सर, आती है, बढ़ोतरी होती है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी बढ़ावा दे रहा है। भी हम लोगों को ऑर्गेनिक देखिए ऑर्गेनिक खेती हर जगह संभव नहीं है। ऑर्गेनिक खेती के लिए जहाँ परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर हो सकता है। अब जहाँ नहरी क्षेत्र है तो वहाँ पर तो आपकी मजबूरी है कि वहाँ ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, क्यों तो ऑर्गेनिक खेती भी होना जरूरी है। साथ साथ ऑर्गेनिक खेती का मतलब यह होता है कि वहाँ केवल जैविक चीज़ों का प्रयोग हो और रासायनिक से थोड़ा दूरी हो, लेकिन मिला कर रासायनिक में भी ये भी गलत प्रचार है कि रसायन नुकसान ही करता है। अगर रसायन नुकसान करे तो आज इतने लोगों को हम पेट कैसे भरते, उसका बैलेंस यूज होना चाहिए। ज़्यादा जो संतुलित प्रयोग है वो भी आवश्यक है, पेस्टिसाइड भी आवश्यक है, खाद भी आवश्यक है, सारी चीजें आवश्यक है। चलिए सर, इस विषय पर हम अलग से आपसे इतना बात करेंगे, आप बहुत अलग 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 से हम लोग करेंगे। फिलहाल आप बहुत जीवंत हैं और दोस्तों देखिए ये लोग सभी के चेहरे पर आप मुस्कान देख रहे हैं और सभी जीवंतता के धारक हैं। कुछ सेवानिवृत्त हो गए हैं, कुछ सेवानिवृत्त कगार पर हैं और सभी जवान हैं। सभी को मैं विनम्र भाव से नमस्कार करता हूँ। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मंदिर, जो बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर बना हुआ है, एक प्राण तत्व है यहाँ का, आज इनके साथ। धन्यवाद दुबे जी। आप